कोलकाता केस में सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है। संदेह के घेरे में पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका आ चुकी है, जिसे पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने प्रिंसिपल से 28 मिनट की पूछताछ की। वारदात के वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल थे वहां पर और चार डॉक्टर्स से भी सीबीआई की पूछताछ की जा रही। सीबीआई पहले ही चार सीनियर डॉक्टर्स को समन कर चुकी है। प्रिंसिपल जो कि मौजूदा वक्त में था वहां, उनसे पूछताछ की जा रही है। 28 मिनट के आसपास प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। कोलकाता में हुई डरावनी और शर्मनाक वारदात पर जमकर राजनीति हो रही। जांच सीबीआई के पास है, लेकिन कई ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना पूरे मामले का खुलासा मुमकिन नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी गड़बड़ी की राजदार ये ट्रेनी डॉक्टर थी? रेप या गैंग रेप, प्राइवेट पार्ट में 151 मिलीमीटर सीमन कैसे पहुंचा? क्या कई लोगों ने मिलकर हत्या की तो वो कौन थे? क्राइम सीन को बिगाड़ा क्यों गया, इसके पीछे कौन? 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो सेमिनार रूम कैसे पहुंचे? किस बात को छिपाने के लिए संजय राय की गिरफ्तारी हुई और पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई पूछताछ की वजह क्या है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे और बहुत जल्द तलाशने होंगे। पहले ममता राज में इतना बड़ा जघन्य अपराध होता, फिर कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में जब भीड़ ने क्राइम सीन पर उत्पात किया तो इसके लिए जिम्मेदार वाम और राम को ठहराया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। उत्पात मचाने के आरोपियों में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता धरे गए, लेकिन ममता बनर्जी को इसमें वाम और राम दिखाई पड़े। दीदी ने वाम राम के जरिए जिन पर हमला बोला, अब वो भी पलटवार कर रहे हैं। आप सुनिए जरा कैसे। वाम एवं राम तारा एकत्रित हुए ये गंडगोलटा करेछे। कोलकाता के अस्पताल में हिंसक भीड़ के उत्पात के पीछे पहले दीदी ने वाम और राम का राग अलापा, लेकिन अब इस बहस में रावण से लेकर सुर्पनखा और ताड़का तक की एंट्री हो गई है। रावण, ताड़का, सुर्पनखा। पश्चिम बंगाल में ड्राइविंग सीट पर बैठी ममता बनर्जी ने इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जिस तरह से राजनीति की तरफ मोड़ने की कोशिश की, अब उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ममता के इस बयान पर कैसे पलटवार हुआ, ये आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी और उनकी पुलिस पर ही सवाल खड़ी कर रही है। अब लौटते हैं वाम और राम वाले दीदी के बयान पर। दीदी के इस बार पर पलटवार आया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का। उन्होंने राम का नाम लेने पर दीदी को रामायण याद दिला दी। दीदी, राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़िका, सुपनेखा का बध होना तय है। दीदी को हिंसा के पीछे वाम और राम दिखे। दीदी का इशारा वाम दल और राम मंदिर आंदोलन से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली बीजेपी की तरफ था। इस मामले में दीदी दोनों दलों के निशाने पर है। ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है, सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही कि एक पत्ता नहीं हिलता है बगैर चीफ मिनिस्टर की जानकारी और हाँ या ना के। तो ये कभी हो सकता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल आरजीक और हॉस्पिटल में ये अपराधियों के लिए ग्रीन लाइट हमेशा 24 घंटा जलता है और ममता जी को पता ही नहीं है? तो पता ही नहीं है तो काहे के लिए वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? आरजीकर अस्पताल में उत्पात पर ममता दीदी ने पुलिस की जिम्मेदारी तय करने के बजाय खुद की एक थ्योरी दे दी। अब ऐसे में दीदी विरोधियों के निशाने पर है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या क्षेत्रीय दल, सभी एक सुर में दीदी पर हमलावर है। आम लोगों को गुमराह करने के लिए इस फिराक में आता है। जिन दरिंदों ने इस तरीके की निष्ठुर घटना को अंजाम दिए थे, उन लोगों का विपक्ष आपकी जुबान से कोई बात नहीं निकालते, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके, बस यही आपका मंशा है। ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए,
उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के योग नहीं बची है, उनकी नारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। कोलकाता में पहले डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की वारदात और फिर क्राइम सीन पर भीड़ ने प्लान्ड अटैक कर दिया, लेकिन ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले पर संजीदगी दिखाने के बजाय राजनीति हो रही है। हालांकि असल सवाल तो कुछ और है, हजारों लोगों की भीड़ अस्पताल में कैसे आई, पुलिस को भीड़ का पता क्यों नहीं लगा, क्या ये हमला सिस्टम की खामी नहीं है, क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है, क्राइम सीन पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। इन सभी सवालों के अलावा जी मीडिया के कैमरे पर उत्पात मचाते लोगों के चेहरे भी कैद, तो उनकी पहचान कर डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यहां तो पुलिस पल्ला झाड़ रही है और दीदी वाम राम का राग अलाप रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।